ये देख लीजिए अपने डॉगी आ गया, न्यू चैनल बनाया है, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। तो हम पहुंच गए हैं हमारे जो विलेज के स्टेडियम में, और सारी की सारी जो है अपनी एक्सरसाइज है बेसिकली यहीं पे रहने वाली है। टुडे इज द सिक्स डे ऑफ आवर 21 डे वर्कआउट रूटीन। अभी सुबह के लगभग 7:40 के आसपास हो गए होंगे, और तो इतना जो है स्टेडियम में कोई है नहीं है अभी। बच्चे जो है सुबह जल्दी जल्दी आते हैं अराउंड 5 और 6, तो हम जो है इसमें वॉक करेंगे और आपको इसका मुआयना कराता हूँ। आई एम सॉरी टू टेल यू गाइज, आज भी जो है कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, क्योंकि जो है अपर अबडोमिनल पेन है, पेट में ज़्यादा दर्द है, कोई नर्व वगैरह आई थिंक खींच गई है, जिसकी वजह से बैठने में भी दिक्कत हो रही है और चलने में भी। अभी अभी जो है वो एक हीट बेल्ट होती है ना, वो जिससे सेका करते हैं, वो सेक करके थोड़ा पेट को मैं फिर चलने के लायक थोड़ा हुआ हूँ, नहीं तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा था और बैठा भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो क्या, हाँ, हम जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अपने जो है न्यू क्या रहने वाला है। बढ़िया स्टेडियम है, थोड़ा सा भी जो है घास है, तो घास में तो इतना कुछ अपने को करना नहीं है, अपने को तो ये जो ट्रैक है इसमें ही दौड़ना रहेगा। और बढ़िया है मतलब एकदम। और हाँ, न्यू चैनल बनाया है, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उस चैनल का नाम रहेगा माइकल MMA क्लासेस। तो आई स्टार्टेड टू गिव मिक्स मार्शल आर्ट क्लासेस, क्योंकि जो बेसिक है वो मैंने सीखा हुआ है, और यही है कि इससे मेरा जो है मुझे इंटरेस्ट है MMA मिक्स मार्शल आर्ट में, और अगर मैं सिखाऊंगा किसी दूसरे को तो उससे ये है कि मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेज अवेलेबल होगी, अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यू वांट टू बी लर्निंग MMA और मार्शल आर्ट विद मी, देन इट्स फाइन। 3 साल पहले आई वॉज इन बेंगलोर, और वहाँ पे जो है MMA क्लब है वो ज्वाइन किया हुआ था मैंने, क्योंकि उस टाइम भी जो है वेट है बहुत ज़्यादा हो गया था, लाइक इट वॉज़ लाइक 87 kg। तो फिर ज्वाइन की मैंने MMA क्लासेज अराउंड आई थिंक 1 or 2 years आई थिंक आई डिड, और आई बिकेम वेरी फिट, लाइक 10 kg आई लॉस्ट। माई लास्ट वेट एट दैट टाइम वॉज अराउंड 76 or 75 समथिंग, और बहुत ज़्यादा फिट हो गया था मैं। क्लोथ्स भी अच्छे लगते थे, पहने हुए कपड़े अच्छे लगते हैं जो फिट रहते हैं उन पर। और फिर ड्यू टू कोविड आई केम बैक टू माई होम टाउन मतलोडा विलेज नियर पानीपत, तो वहाँ पे फिर कोरोना आ गया और एंड ऑल दैट। आफ्टर दैट आई क्विट डूइंग MMA एंड आई बिकेम लाइक फॉर लास्ट 3 years आई डिडन डू एनी एक्सरसाइज, एंड आई वाज लाइक आराम करते हैं एंड रूटीन कल करूँगा फिर करूँगा, और आई वाज बिजी इन ऑफिस लाइफ। आई जॉइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन और टाइम नहीं मिला फिर ऑफिस लाइफ। ऑफिस से आते ही थोड़ा ही लेट जाते थे, और एक्सरसाइज वगैरह इन सब पे मैंने इतना फोकस नहीं किया। एंड नाउ द वेट ऑफ माई बॉडी इज़ लाइक 95 kg अराउंड 100 kg, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बेड के अंदर से चप्पल भी अगर नीचे रहती है तो मैं उठाने के लिए झुकता नहीं हूँ, लाइक रहने दो इनको, गिरे रहने दो। तो इतना जो है आलसी हो गया हूँ मैं, एंड फैट होने की वजह से चला भी नहीं जाता, थोड़ा सा चलने में ही सांस चढ़ जाते हैं, स्टेमिना इज़ लाइक वेरी लो। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि अपने आप को जो है
फिट करने का, ब्रिंग बैक टू माय प्रीवियस शेप, है ना। तो फिट रहने की इस कोशिश में आप भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और एक साथ जो है फिट होंगे, आप भी मैं भी। अगर आप फिट नहीं हैं, अगर आप फिट हैं और अपने आप को फिट करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन मी आल्सो, और सारे के सारे एक साथ एक्सरसाइज किया करेंगे। विल टॉक एंड विल हैव ए कम्युनिटी वेयर विल शेयर अवर थॉट, विल लिसन टू ईच अदर एंड डिस्कस थिंग्स इन लाइफ, एंड मनी इज नॉट एन इशू। तो मेन बात होती है कि एक मतलब के रूटीन बना रहता है और एक तरह के मतलब के एज ए टीम, जैसे कि जो वी टॉक अबाउट स्टडी आल्सो, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, आपको माहौल मिलता है। इफ़ यू गो टू सम कोचिंग प्लेस जहाँ पे सपोज इन मुखर्जी नगर दिल्ली, वहाँ पे तैयारी करते हैं बच्चों, तो वहाँ पे क्या है, स्टडी यू कैन डू इट एट योर होम ओनली, बट वहाँ पे आपको मिलता है माहौल। तो अकेला आदमी जब अगर साथ चलता है तो उससे जो है हो नहीं पाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप भी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली एक्सरसाइज पैटर्न में, और साथ करेंगे एक्सरसाइज, एक साथ जो अपनी बॉडी को फिट करेंगे। और ये जो मेनली जो चैनल जो मैंने बनाया था ट्रैवल विद मी 007, ये ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए बनाया गया था, और इसमें अगर मैं मान लो डालता हूँ एक्सरसाइज वाली वीडियो तो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट सा रहेगा कि भाई हम तो आपकी ट्रैवल वाली वीडियो देखने आए थे और आप यहाँ पे एक्सरसाइज वाली वीडियो डाल रहे हैं। तो इस रीज़न के लिए कि व्यूअर को एक जैसा जो है कंटेंट मिले, मैंने सोचा है कि अलग से एक चैनल बनाया जाएगा। तो दैट्स व्हाई माइकल MMA क्लासेस द नेम ऑफ आवर न्यू चैनल, वेयर वी डूइंग ओनली मार्शल आर्ट एंड रूटीन डेली एक्सरसाइज, एंड देर आई विल बी टेकिंग मार्शल आर्ट क्लासेस एंड सीखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फन करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी होंगी, विल गो टू मैराथन में दौड़ेंगे, और बहुत सारा फन रहने वाला है उस चैनल में। तो आप भी जो है सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ये देख लीजिए अपने डॉगी आ गया, एक मिनट डॉगी आ गया अपने पास भी, इसको भी MMA सीखना है। और तो कोई आया नहीं अभी अपने पास, अकेले ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट स्टूडेंट। हाँ, कराटे सिखा देंगे इसको, पिटाई कर देगा दूसरे डॉगी की। तो MMA क्लासेस MMA सीखेंगे अपन, उससे क्या है कि लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी से हमें जाना है, जी हाँ। और नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीज़ों पे जाना है। और एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो एक नई एनर्जी आती है अपनी बॉडी में, विच इज़ वेरी गुड, जो हमें इंस्पायर करती है टू डू गुड, टू हेल्प अदर, और टू अचीव समथिंग इन लाइफ, और एटलीस्ट ट्राई। इफ़ यू फेल इट डजंट मैटर, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। तो ट्राई करना ही अपने जो बस में है और वही हम करेंगे। और आजकल बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ये है कि बिजी ज़्यादा हो गए हैं, पहले ये था कि थोड़ा गेमिंग वगैरह ये सब कर लिया करते थे, अब सारे के सारा दिन जो है फ़ोन में ही लगे रहते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है सारा हसल एंड बसल ऑफ द डे, जहाँ पर हम बहुत सारी एक्टिविटी में वर्क अगर हम काम कर रहे होते हैं, ऑफिस लाइफ में बिजी होते हैं, इफ़ यू आर स्टडिंग और कॉलेज या फिर ऑफिस से आते ही हम थोड़ा बहुत गेमिंग या फिर वीडियो टीवी इन सब में लग जाते हैं, तो टाइम जो है नहीं बच पाता है बिल्कुल भी। तो
थोड़ा सा अगर हम टाइम निकालें और एक्सरसाइज वगैरह करें तो आई थिंक हम फिट रहेंगे मेंटली भी, और पूरा दिन काम करने के लिए हम फिजिकली भी एक्सरसाइज हैं वो बढ़िया रहती हैं करना एकदम। एक्सरसाइज विद फन, ए हैप्पी प्लेस इज गोइंग टू बी ए हैप्पी प्लेस, और जहाँ पे हम रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को एंड और माइंड को, और डाइवर्ट करेंगे अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है उससे। थोड़ा कुछ योगा कर लेते हैं बैठे बैठे। तो आप जो है मुझे साल के जो है 365 दिन देखने वाले हैं डेली एक्सरसाइज करते हुए, और रहेगा कहीं ना कहीं, कहीं पर भी होंगे और वहीं पर ही अपन एक्सरसाइज करेंगे और हैव सम फन।